नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं खबर दो टूक। दो बज चुके और दो बजने के साथ ही खबर दो टूक लेकर हाजिर हो चुके हैं। आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और सबसे पहले अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है। अतीक को जल्द ही साबरमती जेल से फिर प्रयागराज लाया जाएगा। यूपी पुलिस की टीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर साबरमती जेल पहुंची है। उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। यूपी पुलिस साबरमती जेल रिमांड लेटर लेकर पहुंची है। अगले कुछ दिनों में यूपी पुलिस दल बल के साथ साबरमती जेल फिर जाएगी। अगर इंट्रोगेशन वारंट मिलेगा तो साबरमती जेल में ही पूछताछ होगी। ट्रांसफर वारंट मिलने पर अतीक को यूपी लाकर पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी। साबरमती जेल लेटर लेकर पहुंच चुकी है यूपी की पुलिस। प्रयागराज, आपको बता दें, प्रयागराज लेकर आएगी फिर से अतीक अहमद को। उमेश पाल हत्याकांड की वजह से उसे पूछताछ होनी है, उसका रिमांड लेना चाहती है यूपी पुलिस, जिससे उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश का खुलासा हो सके। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं। अतीक अहमद को फिर से यूपी लाया जाएगा। अतीक को जल्द ही साबरमती जेल से फिर प्रयागराज लाया जाएगा। यूपी पुलिस की टीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर साबरमती जेल पहुंची है। ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। तो गुनाहों का माफिया बचेगा नहीं, एक एक गुनाह का यूपी में ही हिसाब होगा, इसलिए उसको दोबारा लाया जाएगा। तो आदेश की कॉपी लेकर साबरमती जेल पहुंची है यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और ज्यादा अपडेट क्या है अजीत इस खबर में? कुछ और अपडेट कि साबरमती जेल से अतीक को वापस लाया जाएगा यूपी? देखिए, बिल्कुल, खबर में जो अपडेट है जेपी, आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि यूपी पुलिस को परमिशन मिल गई है अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के लिए। और देखिए, उसी सिलसिले में पहले कोर्ट में रिमांड दाखिल की गई थी, उसके बाद उसकी परमिशन लेके साबरमती पहुंची यूपी पुलिस की दो टीमें, और आज शाम को यूपी पुलिस की टीम जो जेल में भी जाएगी साबरमती। और देखिए, उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा अब उमेश पाल हत्याकांड, जिस तरह प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की गई, उसमें अतीक के बेटे असद पर भी 5 लाख का इनाम है, और कई सारे मुलजिम फरार है, आयशा पर भी, उनकी पत्नी पर इनाम है। तो उन सबको लेकर अब अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा और नैनी जेल में रखा जाएगा। इसको लेकर पुलिस ने पूरा होमवर्क किया है, उसकी परमिशन ली है, उसकी जो पत्र है, लेटर है, उसकी कॉपी लेकर वहां पहुंची है, जेल को रिसीव कराई जाएगी। साबरमती में जो कोर्ट है जहां से अनुमति से पहले एक अनुमति ली जाती है, वहां पर दाखिल की जाएगी। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अतीक को साबरमती जेल में ही रखा जाए, और देखिए वहां से लाया गया उमेश पाल अपहरण कांड में, उसके बाद फौरन अतीक अहमद को साबरमती जेल वापस भेजा जाएगा। अब पूरी प्रोसीडिंग के लिए बार बार पूछताछ करना होगा, बार बार अतीक अहमद को फिर कोर्ट में पेश करना होगा। तो यूपी पुलिस की तरफ से दलील दी गई है कि उसे यहीं रखा जाए, जिससे कोर्ट में ले आने जाने में सुरक्षा के लिए खतरा ना हो, इसके साथ ही आने जाने का जो वक्त बचेगा, पूरा जो मैन पावर खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, उन सबको लेकर पुलिस की तरफ से कहा गया कि बहुत लंबा रूट है साबरमती से लेकर प्रयागराज तक, उसको देखते हुए अनुमति दी गई है। तो अतीक अहमद को प्रयागराज लाने का जो प्रोसीजर है वो अब शुरू किया जाएगा, और जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलेगी, यूपी पुलिस की गाड़ियां पहुंचेगी और फिर यूपी पुलिस उन्हें प्रयागराज लाएगी अतीक माफिया अतीक अहमद को, और यही नैनी जेल में रखा जाएगा। नैनी जेल के बारे में पहले भी रखा गया था वहां। जी चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। लेकिन हम आपको सीधे साबरमती जेल लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी उदित रंजन और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। उदित, क्या कुछ अपडेट है? क्या यूपी पुलिस पहुंच चुकी है? बताया जा रहा कि लेटर पहुंचा दिया गया उदय। देखिए अब जयप्रकाश, इस प्रकार से जानकारी मिल रही है, इस प्रकार से कि अभी यूपी पुलिस का एक पीएसआई और कांस्टेबल सहित की टीम जो है वो इस तरफ अंदरूनी तरफ, यानी कि ये सेंट्रल जेल है जो हम दिखाना चाहेंगे आपको, कि अहमदाबाद की सेंट्रल जेल जिसके अंदर अतीक अहमद को रखा गया है। और अभी यूपी पुलिस जो है वो सुबह से यहाँ पे है, और उसके पीछे का कारण जो बताया जा रहा है वो इस प्रकार का है कि उमेश पाल हत्या केस के अंदर अतीक अहमद का नाम जो सामने आया है, उसको लेकर यूपी पुलिस ने अभी इंटीमेशन यहाँ पे दिया है, एक जानकारी दी हुई है कि
फिर से अगली बार मतलब कुछ दिनों के अंदर जिस प्रकार से प्रयागराज कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आतिक अहमद की धरपकड़ ट्रांसफर वारंट से यहां से की जाए या फिर उसको यहां ही रख के पूछपरछ की जाए, तो ये पूरा मामला जो रहेगा तो नजदीकी दिनों में अंदर जो है यूपी पुलिस फिर से यहां पे आ सकती है। अगर प्रयागराज कोर्ट जिस प्रकार से बताएगा कि ट्रांसफर वारंट से धरपकड़ करके यूपी लाया जाए इसको, तो फिर से माना जाता है कि आतिक अहमद को यहां से ले जा सकते हैं। लेकिन उधर उधर अभी कुछ अपडेट मिल पाया साबरमती जेल प्रशासन की तरफ से इसमें कि जो यूपी पुलिस पहुंची है या सिर्फ अभी यूपी पुलिस थोड़ी देर पहले पहुंची है इसलिए अभी कोई जानकारी नहीं आ रही है सामने? अभी थोड़े ही मिनटों पहले बताया जा सकता है कि इस जेल के अंदर जो था वो यूपी पुलिस पहुंची थी और अभी वहां पे तफ्तीश चल रही है, जांच, जो दस्तावेजी काम रहता है पूरा जेल तंत्र के साथ वो अभी किया जा रहा है और ये खत्म होने के बाद यूपी पुलिस जो है यहां से निकलेगी। जी उधर बताया जा रहा क्योंकि जब पहली बार जब उधर लेकर अतीक को आया गया था तो अतीक ने अपनी हत्या की बात कही थी कि उसकी हत्या कराना चाहती है, पूरी प्लानिंग है, तो और कहीं ना कहीं वकीलों ने भी जो अतीक अहमद के वकील है उन्होंने भी इस बात का विरोध जताया था कि उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि अतीक फिर नहीं जाना चाहेगा यूपी, अतीक कोशिश करेगा कि वो साबरमती जेल में ही रहे? हो सकता है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक उसने याचिका भी दायर की हुई है कि उसको यही रखा जाए, उसको कहीं ना कहीं जान की जो जोखिम है उसको लेकर, तो अभी कोर्ट किस प्रकार से ऑर्डर करता है। अगर कोर्ट कहता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में आतिक अहमद को यहां से जुड़ा जाए, अगर कोर्ट कहता है कि उसकी जो आरोपी मैन रहेगा, मैन एक्यूज रहेगा, जिसकी पूछपरछ करनी रहेगी, पुलिस कहीं से डिमांड रखेगी उसकी, क्या जो आरोपी एक्यूज रहेगा वो यही चाहिए, तो कोर्ट जिस प्रकार से ऑर्डर करेगा उस प्रकार से शायद हो सकता है कि आतिक अहमद को यहां भी रखा सकता है और यहां से यूपी लाने के लिए भी तैयारी हो सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया उदय रंजन, हमारे सहयोगी साबरमती जेल से हमको अपडेट बता रहे थे। बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता ने पूरी जानकारी बताई क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यूपी पुलिस पहुंची है साबरमती जेल, एक ऑर्डर लेटर लेकर पहुंची है। अब देखना होगा कब अतीक अहमद को लाया जाएगा।